Hey guys, this is Miaba and welcome back to Happy Mommy Vlogs. And I'm sure अगर आप हमारे चैनल पे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने कुछ दिन पहले अपलोड हुआ मेरे चैनल पे मॉर्फे रिचर्ड्स का ये फूड प्रोसेसर का रिव्यू अनबॉक्सिंग एंड डेमो वीडियो देखा होगा. और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप फूड प्रोसेसर की हेल्प से किस तरीके से इजिली आटा गूंथ सकते हैं, नीट कर सकते हैं एंड आटा बना सकते हैं. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. So, जब भी आप हेल्पलेस फील करते हैं या फिर आपकी तबीयत सही नहीं होती है या फिर घर में बहुत सारे लोग होते हैं तो अब फूड प्रोसेसर आपकी किचन में सबसे ज्यादा मदद करता है एंड इसकी वजह से काफी ज्यादा इजी हो जाती है हमारी किचन की लाइफस्टाइल. ओके, सो किसी भी फूड प्रोसेसर में आपको एक बड़ा डीप जार मिलता है इस तरीके का और आप उसमें ही बाकी सारे काम के साथ में आटा भी नीट कर सकते हैं. सो इस तरीके की मेजरमेंट स्केल भी दी हुई होती है और कुछ इस तरीके से इसको फिक्स करना होता है. यहाँ पर जार को आपको लॉक करना होता है जिसकी हेल्प से ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, आप मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं. तो इस तरीके से फिक्स कर लेते हैं सबसे पहले हम जार को. आप देख सकते हैं इसमें कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा दी हुई है और आप अच्छे से इसमें बहुत सारा स्टफ नीट कर सकते हैं. यहाँ पर एक स्पिनर दिया हुआ है, इस स्पिनर की हेल्प से ही आपका ब्लेड इसमें वर्क करेगा. ये आटा नीटिंग ब्लेड है जो कि फाइबर मेड है, प्लास्टिक मेड है, बट ये BPFE प्लास्टिक है तो आप इसे सेफली यूज़ कर सकते हैं. इस तरह से इसे फिक्स कर सकते हैं और बहुत ही इजीली स्मूथली आटा इसमें नीड हो जाता है. मैंने लिया है ये 2 ग्लास आटा लिया है, 2 बड़ा कप आप आटा ले सकते हैं. इस तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हैं आटा का. एंड मैंने कुछ 1.5 ग्लास के आसपास पानी लिया है और ये इसकी लिड है. आपको इस तरीके से लिड लगा करके फिक्स करनी है, देन उसके बाद में पावर बटन ऑन करनी है. तो पानी को हमें कुछ इस तरीके से धीरे धीरे डालना है. इसके साथ उसका ऊपर का कैप अटैचमेंट दिया हुआ बट मैं उसे यूज नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ से पानी डाल रही हूँ. यहाँ पर रेगुलेटर दिया हुआ है स्विच की हुई इसे ऑपरेट करने के लिए. एंड आप देख सकते हो इस तरीके से आप इसे ऑपरेट कर सकते हो. मशीन की साउंड भी आपको सुनाई दे रही होगी तो इसी तरीके की इसकी साउंड है, बहुत तेज नहीं है इसकी साउंड. धीरे धीरे आपको पानी डालना है एंड उसके बाद में आपको आटा गूंथते जाना है, नीट करते जाना है. बिल्कुल स्लोली आपने नंबर 1 पे चलाई है मशीन और आपको बस नंबर 1 पर ही रखना है. धीरे धीरे आपका आटा नीट हो जाएगा. 1 से 2 मिनट में ही आटा पूरा तैयार हो जाता है अच्छे से नीट होकर के. तो आपको थोड़ा सा रुक रुक करके इस मशीन को ऑपरेट करना है. एक साथ ही रेगुलेटर को ऑन करके नहीं रखना है, आप थोड़ा सा रुकिए, होल्ड करिए, देन उसके बाद में वापस से आपने पानी ऐड कर दिया एंड फिर आपने वापस से मशीन को ऑपरेट किया. तो इस तरह से आप देख रहे हो कि आपको लाइव दिख रहा होगा कि आटा किस तरीके से इतना स्मूथली रेडी हो गया है, नीड होकर के गूंथ करके तैयार हो गया है. एंड बहुत ही अच्छा आटा इसमें नीड हो जाता है. जो मैंने आपको रेशियो बताया है आटा एंड पानी का, आपको उसी हिसाब से करना है. एंड अगर पानी ज़्यादा होता है तो आटा गीला हो जाएगा, तो बेटर है कि आप थोड़ा पानी कम रखिए जिससे कि आप बाद में ऊपर से पानी लगा करके या थोड़ा बाद में आटे में पानी डाल करके आप उसे सेट कर सकते हैं. यहाँ आप देख सकते हो कि आटा पूरा अच्छे से नीड हो गया, अच्छे से गूंथ गया है, अच्छा सॉफ्ट आटा लगा है जैसा कि हमें रोटी या चपाती के लिए चाहिए होता है, बिल्कुल वैसा ही आटा लगा है. इसके बाद आप जार को रिमूव कर लीजिए एंड मेक श्योर आपने पावर बटन ऑफ कर दी है. एंड अब आप इसमें से स्पिनर निकाल लीजिए एंड इसका जो ब्लेड है वो आप निकाल लीजिए इसमें से. इसके बाद आप इसमें से इजिली आटा निकाल पाएंगे एंड इसे क्लीन करना बहुत ईजी है. क्लीन करने का तरीका भी अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको इन फ्यूचर वीडियो में शेयर जरूर करूंगी. एंड आप इस तरीके से इसमें से आटा निकाल सकते हो. आप देख रहे हो कि कितना ईजिली आटा इसमें से निकल गया है और जो भी थोड़ा बहुत आटा वो भी आप निकाल लो, एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लो और आटे को अच्छे से बाइंड कर लो. तो बहुत ईजी है एंड आटा यहाँ पर तैयार है रोटी चपाती बनाने के लिए. इसी तरीके से आप किसी भी फूड प्रोसेसर में आटा नीट कर सकते हैं. ऑल्सो इस फूड प्रोसेसर में अगर आप आटा लगाते हैं तो आपकी जो चपाती होगी वो बहुत अच्छी बनती, बहुत ही फुली फुली सी बनती है. और आप देख सकते हो कि कितनी फुली फुली सी ये बन रही है रोटी, बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही है. एंड खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल जैसे कि आप हाथों से नीट करते हो ना आटा, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है खाने में. तो देखा कितना आसान है आटा नीट करना फूड प्रोसेसर में.